आपको पता है एवरी पर्सन क्रेव्स टू मेंटेन सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. जी हाँ, हम सबको थोड़ी स्पेस, थोड़ा स्कोप, थोड़ी मार्जिन चाहिए अपनी आइडेंटिटी को महसूस करने के लिए, अपनी इंडिविजुअलिटी प्रूव करने के लिए. एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू एग्जर्ट एटलीस्ट सम कंट्रोल ऑन हिज और हर एनवायरमेंट, हैव अ से इन द मैटर्स एंड एक्सरसाइज द राइट टू चूज. इसलिए जब वो लैक ऑफ कंट्रोल सेंस करता है या अपने काम के आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करने में खुद को अनेबल पाता है, तो उसके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी बिल्ड होता है, चाहे घर हो या ऑफिस. जब हम इस फैक्ट को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते तो हमारी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स की क्वालिटी गिरती है. आइए देखें एक सिचुएशन और फिर बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी. लौड़े, इस रिपोर्ट के चार सेट पेंडिंग करा के रखो. तो कौन सी कैसी बाइंडिंग करवाओगे? हार्ड बाइंडिंग करवाना. तो जो भी हो रहा शॉप पर जाए उससे कहना उससे बात करे, फ्रंट पेज के कलर ऑप्शंस मुझे बताएगा वो. ठीक है, चुप किया रखो. और तुम और एमआईएस रिपोर्ट शाम तक बना के दो और हर घंटे की रिपोर्ट दो मुझे. ध्यान रहे जी. अरे गावड़े, कहां तक पहुंचा काम? और इतना टाइम क्यों लगाते हो फोन उठाने में? अरे गावड़े, किधर थे तुम? इधर वर्क स्टेशन पे रहना चाहिए ना. यस सर, सॉरी. और ये क्या वॉलपेपर लगा रखा है? थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला वॉलपेपर लगाओ. मैं चेंज कर देता हूँ. ओके, ये कोटेशन इसको भी चेंज करो, थोड़ा बढ़िया इंस्पायरिंग वाला कोटेशन होना चाहिए ना. सो व्हाट वेंट रॉन्ग हियर? आपने देखा कल्याण गावड़े के वर्क, वर्किंग पैटर्न और वर्किंग एनवायरनमेंट तक के एस्पेक्ट्स पर माइक्रो मैनेजिंग या कंट्रोलिंग कर रहा है. विल लेट्स अप्लाई सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि ऐसा करना क्यों सही नहीं है. अगर हम अपने ब्रेन को देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा ब्रेन एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन की तरह है, जो हमारा सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए मिनिमाइजिंग डेंजर और मैक्सिमाइजिंग रिवॉर्ड की पॉलिसी पर चलता है. अब चूंकि हम सोशल एनिमल्स हैं एंड हाउ वी आर सोशली प्लेस्ड हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आर सर्वाइवल, इसलिए ब्रेन सोशल नीड्स को भी उसी तरह ट्रीट करता है जिस तरह वो बेसिक नीड्स जैसे फूड और वाटर को ट्रीट करता है. इन सोशल नीड्स में से एक है ऑटोनॉमी, डिजायर टू हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर इवेंट्स इन वंस एनवायरमेंट. जब हमारा ब्रेन सेंस करता है कि हमारी ऑटोनॉमी कर्व की जा रही है तो इट कम्स अप विद अ थ्रेट रिस्पॉन्स. और थ्रेट रिस्पॉन्स में हमारे ब्रेन के इंटेलिजेंस सेंटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए अवेलेबल रिसोर्स कम हो जाते हैं. जी हाँ, लिटरली देर इज लेस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज अवेलेबल फॉर द ब्रेन फंक्शंस इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग मेमोरी. आइए अब हम अपनी सिचुएशन पर वापस चलते हैं. अगर कल्याण गावड़े को इस तरह से माइक्रो मैनेज और कंट्रोल करेगा तो गावड़े के अंदर भी थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा. एज अ रिजल्ट इमीडिएट टर्म में उसकी कॉग्निटिव टास्क में इफेक्टिवनेस और एक्यूरेसी कम होगी और मीडियम टर्म में उसका मोरल और सेंस ऑफ बिलोंगिंग हर्ट होगा. जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, एवरी पर्सन क्रेव्स टू मेंटेन सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. इट्स अमेजिंग इज़न्ट इट? सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना कुछ गलत करने से बच सकते हैं और इसे प्रॉपरली सीख कर कितना कुछ सही कर सकते हैं. तो मिलते हैं अगली बार.